इस तरह का अगर एनिमेशन वीडियो का प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं पावर पॉइंट के द्वारा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, स्किप ना करें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करना। तो चलिए बढ़ते इस वीडियो को, स्टार्टिंग में हम पावर पॉइंट ऑन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर लेआउट ब्लैंक हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम जो यहाँ पर सर्कल है, सॉरी जो इंसर्ट बॉक्स पे इसे हम क्रॉस कर रहे हैं और इसे फुल स्क्रीन कर रहे हैं यहाँ पर। इससे होगा क्या, जो मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल करूँगा उसको साफ साफ दिखाई देगा। तो पहले हम जो पंखे का जो ये होता है, पंखे का जो सीट होता है मतलब विंग्स होता है, उसे हम पहले बना लें यहाँ पर। तो उसके लिए हमें इंसर्ट पे जाना पड़ेगा और इंसर्ट पे जाके यहाँ पर देखिए टीयर ड्रॉप नाम का एक शेप दिखाई देगा यहाँ पर, देखिए उसे आप क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर ड्रैग करके माउस को आप एडजस्ट करके आप ड्राइंग कर लीजिए। उसके बाद फॉर्मेट पे जाके एक साइज देख लीजिए, यहाँ पर साइज दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए, वरना जब भी आप इसे घुमाएंगे तो अलग दिखेगा। तो उसके बाद इसे कॉपी कर लीजिए आप, उसके बाद पेस्ट और इसे आप घुमा दीजिए इसे पकड़ के यहाँ से इस तरह से, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए यहाँ पर और इस तरह से और दो हम विंग्स बना लें यहाँ पर। इसी को कॉपी करके पेस्ट करते हैं और यहाँ से यहाँ रख देते हैं और इसे पकड़ के यहाँ पर घुमा देते हैं। तो आपने प्रोसेस देख लिया, इस प्रोसेस से आप भी कर सकते हैं इस प्रैक्टिकल को, तो ज़रूर ट्राई कीजिए अपने कंप्यूटर पे और इसे ला के यहाँ पे या तो माउस से कर सकते हैं या तो कीबोर्ड के जो एरो बटन है उससे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इसे। तो इस तरह से मैंने फ़ैन का जो विंग्स यहाँ पे बना लिया है, तो ये अलग अलग बनाया। अब इसे एक पिक्चर करेंगे तो इसको हम ग्रुप में डाल दें। तो इसके लिए पहले सारे को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं हम और उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट जो टैब ओपन हुआ है वहाँ पर ग्रुप में जाके ऑप्शन में ग्रुप कर देंगे। तो ये एक पिक्चर हो जाएगा यहाँ पर, इसे हम कहीं भी मूव कर सकते हैं एक साथ। और उसके बाद हम जो हमारा फ़ैन का टेबल फैन का जो बाहरी हिस्सा है उसे हम बना रहे हैं। तो पहले एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो सर्कल यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है उसका भी आप फॉर्मेट ऑप्शन में जाके जो विड्थ और ये होता है यहाँ पर कलर फॉर्मेट पे जाके देखिए। पहले एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये सही से बैठेगा नहीं, इससे बड़ा ले सकते हैं, छोटा लेंगे तो एडजस्ट नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से मुझे सेम कर लेना है, वरना बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। क्योंकि देखिए जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो एक्यूरेसी के साथ बनाता हूँ, जो भी इस वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर देख के प्रैक्टिकल करेगा उसे 100% रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो फैन का जो कवर होता है उस तरह के जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए सब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा वीडियो को हम जल्दी घुमा रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से हमारा जो हो गया ऑल सिलेक्ट करके यहाँ पर फॉर्मेट एडजस्ट जाके इसका जो विड्थ है वो हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा
आप इसका कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, या तो बाद में कर सकते हैं, मैं बाद में किया हूँ। आप यहाँ से कलर चेंज कर लेते तो अच्छा होता, क्योंकि विंग्स का कलर और इसका कलर सेम नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए, इसको को मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया इसके ऊपर, इसे एडजस्ट कर रहा हूँ अभी। और उसके बाद देखिए, ऊपर का जो ये है उसे भी देख के हम यहाँ पर घुमा देंगे इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये जो लाइन से 6 नहीं होगा, 6 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इस तरह से देखिए, जो मिडिल पोजीशन में आ जाएगा ये, तो हम यहाँ पर छोड़ देंगे। अब ये हो गया। अब ये दो पिक्चर को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर ऐसे सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो आप सीटीएल दबाकर भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर ग्रुप में जाकर, फॉर्मेट में जाकर ग्रुप कर लीजिए, तो ये पिक्चर एक हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद इसे भी आप मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा फ़ैन का जो ऊपर का मॉडल या अपर मॉडल बोलिए टेबल फ़ैन का, वो हो चुका है। और इसे हम यहाँ पर कलर कर रहे हैं रेड कलर से, और इसका जो आउटलाइन दिख रहा है उसे भी हम रेड कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद इसे एडजस्ट कर रहे हैं अंदर ही, या अगर नहीं आए तो इसे राइट क्लिक कर बैकवर्ड कर सकते थे, तो या बैकवर्ड मैंने पहले कर लिया। अब इसे थोड़ा सा डिज़ाइन देने के लिए यहाँ पर एक सर्कल यहाँ पर डाल रहा हूँ, क्योंकि मिडिल पोजीशन में इसे दूंगा तो अच्छे से दिखेगा। तो इसका भी विड्थ और हाइट जो यहाँ पर दिख रहा है सेम टू सेम रख लीजिए सर्कल का, क्योंकि आँखों में आपको सर्कल दिखेगा पर एक्चुअली वो सर्कल नहीं बना होगा। तो इस तरह से आप जाके एडजस्ट करके इस पॉइंट को बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सेम टू सेम रखना। और ये हो गया टोटली हमारा जो टेबल फैन का अपर मॉड्यूल हो गया। अब स्टैंड बनाने के लिए हम फिर से इंसर्ट पे जाएंगे, कोई भी एक फिक्चर स्टैंड जैसा हो उसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने इसे सिलेक्ट किया, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेट जो कॉलम होते हैं उसे भी कर सकते हैं, मैंने इसे किया जो ट्रायंगल शेप में आता है। इसे थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा, और ऊपर से इसका जो स्टैंड है जहाँ पर हम स्विच ऑन ऑफ रखेंगे, तो उसके लिए एक स्टैंड बना रहे हैं आप। इसे स्टैंड करें, और दोनों पिक्चर को हम अभी एक कर देंगे फॉर्मेट से। यहाँ पर जाके हम ये कर रहे हैं कि आउटलाइन, और अभी देखिए यहाँ पर दोनों पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया। अगर नहीं हो रहा है तो सीटीएल से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद ग्रुप में जाके ग्रुप। तो ये पिक्चर एक बन गया। अब इसे यहाँ पर ला के फिर, ब्रिंग फॉर करके आप इसे पीछे कर रहे हैं यहाँ पर। इसे यहाँ से एडजस्ट कर दीजिए। तो देखिए कलर के वजह से ये लग रहा है कि ये भीतर नहीं जा रहा है, पर कलर जब चेंज करेंगे आप तो देखेंगे। जब यहाँ पर देखिए मैंने कलर चेंज कर दिया, तो ये लग रहा है कि उसके फैन के बाहर से, सॉरी बैकवर्ड में ये स्टैंड खड़ा है। उसके बाद हम स्विच बना लेते हैं दो। यहाँ पर फिर से इंसर्ट पे जाएंगे, और जो सर्कल है उसे हम चॉइस कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका विड्थ आप कुछ भी रख सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, पर सब कुछ ही हम समान जैसे बना रहे हैं तो इसको भी हम समान ही बनाएंगे। और यहाँ पर हम रख रहे हैं इसे, और इसका कलर चेंज करके हम यहाँ पर रेड कर देंगे, क्योंकि रेड जो बटन होता है वो ऑफ का सिग्नल होता है हमेशा। तो इसे हम कॉपी करके दूसरा पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम ग्रीन बटन बनाएंगे, इसे एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर फील ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पर ग्रीन कर दीजिए, और इस पे जा आउटलाइन भी यहाँ पर आप ग्रीन कर रहा हूँ, और यहाँ पर राइट और आउटलाइन में जाके भी आप रेड कर दीजिए। तो पूरे के पूरे यहाँ बॉटम दिख रहे हैं। तो अब जाके एनिमेशन पार्ट आएगा,
हमारा जो मॉड्यूल है टोटल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एनिमेशन फ़ैन का स्ट्रक्चर यहाँ पर हम बना लिए हैं। तो फ़ैन का यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने पूरा कर लिया, और अब इस फ़ैन का हम डुप्लीकेट बनाएंगे एक। और डुप्लीकेट बनाने के लिए इस स्लाइड वन पे हम राइट क्लिक करेंगे माउस से, और उसके बाद जो डुप्लीकेट स्लाइड है उस पर कर देंगे। और अभी इस फैन में हम एनिमेशन डालेंगे, और उसके लिए हमें जो फ़ैन का विंग्स है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो पहले वाला नहीं है, ये सेकंड वाला जो स्लाइड है उसका विंग्स पे हम सिलेक्ट करेंगे पहले विंग्स को इस तरह से। और एनिमेशन टैब में जाके स्पिन वाला जो एनिमेशन है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एनिमेशन पेन जो है हमारा उसे ओपन करना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए एनिमेशन फैन में जब भी ये बटन आप दबाएंगे यहाँ पर, तो सेटिंग वाला जो टाइमिंग है वहाँ पे जाके कुछ चेंजेस वेरी फास्ट हम करेंगे, और ऑन क्लिक को ऑन विथ प्रीवियस करेंगे, और अनटिल द स्लाइड एंड पर क्लिक करेंगे, और इस तरह से फैन हमारा घूम रहा है। तो एनिमेशन हम डाल दें, और स्विच की अब जो है स्विच पे हम एक्शन देंगे यहाँ पर, मतलब स्विच पे जो भी है यहाँ पर स्विच बनाया है हमने, ये जो ग्रीन बटन है, तो ये पहले वाला स्लाइड को हम सिलेक्ट करके ग्रीन बटन को यहाँ पे एक्टिव करेंगे, और इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्लाइड वाले ऑप्शन में जाके जो सेकंड स्लाइड है उसे हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब भी ये दबाएगा तो सेकंड स्लाइड को शो करेगा। तो ये ओके हो, आप ये हो गया ओके। और उसके बाद जो सेकंड स्लाइड है उसे हम सिलेक्ट करेंगे, और रेड जो बटन है उसको सिलेक्ट करके वहाँ पर एक्शन देंगे, और जो फर्स्ट स्लाइड है मतलब स्टॉप जिस पे फैन का कोई एनिमेशन नहीं है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। और पहले वाला सिलेक्ट सॉरी यहाँ पर ओके कर देंगे। तो एनिमेशन ये हमारा दे के तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम F5 दबाएंगे या तो साइज लो, तो देखिए ये फैन ये ऑफ है। अब इस ऑन की स्विच पे हम दबा दें, फैन घूम रहा है, और अभी जब लाल बटन हम दबाएंगे तो ये फैन ऑफ हो जाएगा। तो ये आप भी ट्राई करिए घर में कंप्यूटर में। अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए हमारा। थैंक यू दोस्तों।